नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। यहां नकटिया थाना कैंट बरेली में रहने वाली इरम सैफी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल इसी साल 19 जून को इरम के भाई का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पिछले 3 महीनों से इरम अपने भाई को न्याय दिलाने की आस में सरकारी अफसरों से गुहार भी लगा चुकी है, लेकिन किसी भी अधिकारी से उसे जवाब और ना ही सहायता मिल पाई है। इरम ने परेशान होकर बीते 2 दिन पहले आत्मदाह करने की कोशिश भी की थी। इरम के पिता मदन सैफी और परिवार वाले आनन फानन उसे अस्पताल लेकर भी गए। वहीं बरेली की संस्था आम आवाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सारिक अली ने इरम को न्याय दिलाने की हर संभव मदद करने का वादा भी किया है। बरेली से जावेद सईद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? इरम सैफी। आपने आत्महत्या का प्रयास क्यों करा था अभी? आत्महत्या का प्रयास मैंने इसलिए किया, मैंने सबसे पहले ये पहली प्रार्थना पत्र दिया था। मेरा भाई खो गया था, तब भी उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। फिर 3 दिन बाद मेरे भाई की बॉडी मिली, फिर उन्होंने इसी में 302 कर दी। फिर मैंने ADG को भी दी, फिर मैंने SSP को भी दी वाली प्रार्थना पत्र। सबको दे के थक गई मैं। और फिर मैंने लास्ट बार इंस्पेक्टर से बात करी तो इंस्पेक्टर कह रहा है कि तुम हमें लाभ प्रूफ ला के दो, वरना हम ये नहीं खोल पाएंगे। और फिर उन्होंने कहा अगर तुम्हें जहर खाना है तो खा लो, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा उनसे तो। कौन इंस्पेक्टर थे? अवनीश कुमार यादव, थाना कैंट। 18/6/2019 की घटना है, आज 21/9/2019 हो गई है। 30 दिन से भी ज़्यादा हुए हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा। मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, इसलिए मेरी आत्महत्या करने के जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि ये आम आवाज संगठन है, ये लोगों की सहायता करता है, तो मैं अपनी गुहार इनसे कहना चाहती हूँ। सैयद सारिक अली से क्या कहना चाहती हैं आप? शारिक अली से आप मेरी मदद करो, वरना मैं आत्महत्या कर तो लूँगी। अगर मेरे भाई की खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छे काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो मैं अपनी आवाज़ को लेके इनके पास आई हूँ। अच्छा, कोई ज्ञापन आपने लिखा है आम आवाज के लिए? हाँ, आम आवाज के लिए मैंने ज्ञापन लिखा है। दीजिए आप ज्ञापन।